Have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. पीएन मॉल तो कुछ नहीं है, पानी कम चाय है। मॉल बहुत ही अच्छा है, पीएन मॉल को टक्कर देने वाला। अच्छा बात है कि इसमें आईनॉक्स मिला है। Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline waves. बाकी सब मॉल के हिसाब से तो यहाँ बहुत ज्यादा सब कुछ एडवांस है। बहुत बड़ा मॉल है, देख लीजिए। बिहार का सबसे बड़ा मॉल है ये। ये देखिए, वो क्या लोकेशन है भाई। क्या बोलना चाहता मॉल के बारे में? माइंड ब्लोइंग। तो अच्छा से देख लिए गाइस, गेम जोन ये तो कैटरीना कैफे, आप लोग देख लीजिए। अच्छा से छूना नहीं है, अंदर नहीं जाना। ओह माय गॉड, क्या फूड कोर्ट बनाया है भाई, बहुत खूबसूरत फूड कोर्ट है, देख लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू योर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं सिटी सेंटर मॉल में हूँ। सिटी सेंटर मॉल खुल चुका है, आज है 9 तारीख। तो चलिए मैं अंदर खड़ा हूँ, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या यहाँ पर है, और सिनेमा हॉल आइनॉक्स खुला है कि नहीं वो भी जानेंगे। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। अंधेरा हो चुका है, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से एग्जिट है, आगे से एंट्री है। देखिए कितना खूबसूरत मॉल है जो कि खुल चुका है। आप लोग भीड़ भाड़ देख रहे हैं, कितना ज्यादा भीड़ भाड़ हो चुका है। तो अंदर आपको लेके चलते हैं। इस साइड से पार्किंग है, और पार्किंग करिए तो आपको एक कार्ड मिलेगा। तो अंदर चलते हैं। देखिए आगे उधर से जो गेट है वहाँ से एंट्री होगा। आज उद्घाटन आज ही खुला है, देख लीजिए भीड़ भाड़ कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेजर लाइट शो भी चलता है इस फ्लोर पे। तो ऊपर चलते हैं, एक्सीलेटर से आप लोग जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। चलिए ऊपर चलते हैं भैया। तो बहुत ही मजा आने वाला, मॉल बहुत ही बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा मॉल है ये, बहुत मजा आएगा। कोशिश करेंगे, चाहे व्लॉग बनाना पड़ेगा, बट एक ही व्लॉग में आपको कुछ कुछ दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर गए साइड में वैक्स म्यूजियम है जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ ओपन होगा। तो ओपन होगा तो यहाँ पर आपको चार्ज लगेगा। आगे चलते हैं, चलिए। यहाँ पर देखिए लेजर लाइट शो चलता है, जब लेजर लाइट शो ऑफ चलता है तो म्यूजिक चलने लगता है। मॉल काफ़ी भव्य, काफ़ी बड़ा, खूबसूरत है। यहाँ पर देखिएगा शॉपर स्टॉप है, कपड़ों का होता है। अभी ये भी पूरा नहीं खुला, अभी स्टार्ट काम पे लगे हुए हैं, कुछ दिन में ये खुल जाएगा। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, बहुत ही बड़ा मॉल है जैसे कि मैंने आपको बताया। देख लीजिए आने के लिए कितना रास्ता है, इधर से भी आप लोग आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। वाह, भीड़ भाड़ देखिए सामने कितना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर लेजर लाइट शो चलता है। चलिए आगे लेके आपको चलते हैं, इधर से भी आप लोग जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। सामने तो यहाँ पर देखिएगा ड्रेस का शोरूम है, स्केचर्स अभी सब कुछ खुला नहीं है पूरा। यहाँ पर देखिएगा सेल्फी पॉइंट हो गया, डॉग यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर फोटी सेल्फी फ़ोटो लोग ले रहे हैं रुककर। बहुत सेल्फी पॉइंट यहाँ पर है, जैसे मैंने बोला मैं तो घूम चुका हूँ। गाय सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सार्थक। तो आज अपने बारे में पूछेंगे, आज मॉल के बताइए क्या कितना। मॉल बहुत ही अच्छा है, पीएनएम मॉल को टक्कर देने वाला है। पूरा टक्कर दे दिया कि देने वाला है? दे दिया है। पार्किंग एरिया सब अच्छा है, आप पूरा घूमिए, बोर नहीं होएगा, बहुत अच्छा। बहुत ही बड़ा है ना? हाँ बहुत बड़ा। घूमेंगे नहीं पूरा? पूरा घूम लिया, बस रिटर्न और करके आप घूमिए पूरा, बहुत अच्छा मॉल। एंट्री कर गए हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से क्या सीन आपको मिलने वाला। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा मॉल है, देख लीजिए। तो यहाँ से आपको दिखेगा 2 ही 3 फ्लोर, लेकिन आगे अभी और ही बड़ा मॉल है, इतना ही नहीं है। तो आगे लेके चलते हैं आप लोग को। भीड़ देखिए, पहला दिन कितना ज्यादा भीड़ हो चुका है, बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ से देखिए फोटो सेल्फी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उस साइड से आ सकते हैं, वहाँ पर जो दिख रहे हैं ऊपर होगा हम लोग का गेम जोन होगा, और खाने होने का होगा फूड कोर्ट। तो रास्ता गाइस बहुत है, इधर इधर से आइए, आगे से आइए, पीछे से, मतलब इतने यहाँ पर रास्ता बहुत सारा दिया हुआ है। आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, मेरे को भी शुरू में कन्फ्यूजन हो गया था जब मैं पहली बार यहाँ पर एंट्री किया था। तो सामने से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर देखिएगा एक एम्बेसडर है, ये भी यहाँ पर रखा रहता है फोटो सेल्फी लेने के लिए, बहुत ही अच्छा है। तो आपको कहाँ कहीं कदम कदम पे जहाँ भी जाएगा आपको कुछ ना कुछ देख जाएगा, प्रॉक्स वगैरह फोटो सेल्फी वगैरह लेने के लिए। देखिए यहाँ पर लोग रुककर फोटो सेल्फी ले रहे हैं, और नीचे के यहाँ का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर भी आप लोग ले सकते हैं फोटो। मॉल बहुत ही बड़ा भाई, इतना बड़ा मॉल पूरे बिहार में नहीं होगा। मैक्स भी यहाँ पर है, आगे लेकर आपको चल रहे हैं। पूरा भूल भुलैया भाई, इधर से भी आप लोग आ सकते हो, नीचे से इस साइड से भी, उधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। देख लो आने का डेस्टिनेशन रास्ता बहुत है। भाई कैसा लग रहा है, नया मॉल खुला, क्या बोलना चाहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लोग काफी ज्यादा अभी शॉपिंग करते हैं। तो जो पहली बार आए भैया भूलभुलैया में फंसने वाले हैं, पूरा राउंड है मॉल में, आने का रास्ता बहुत ही यहाँ पर है, हर जगह चेकिंग आपको मिलने वाला है गार्ड का। आज तो शायद पहला दिन, इसलिए सबको आराम से शूट करना है, उसके बाद पता नहीं बाद में परमिशन मिले या ना मिले। यहाँ पर देख लेते हैं क्या मैक्स का, देखिए वो मैक्स का इधर है, उस टाइप से रास्ता बंद है। यहाँ पर देखिए मैक्स का है। तो कुछ यहाँ भाई लोग मिले, उनसे पूछते कैसा लग रहा है मॉल, कैसा लग रहा है मॉल भैया आपको? बढ़िया है। क्या बोलते हैं, क्या आपको लगता है बिहार का सबसे बड़ा ये मॉल होगा? हाँ बिहार का तो बड़ा ही है, पर सबसे अलग है। सबसे अलग और कैसा आपको लग रहा है, पीएन मॉल के सामने हो क्या लग रहा है? नहीं नहीं, पीएन मॉल से बहुत अलग है, बहुत बढ़िया है उसे। तो पूरा आपने अभी घुमा कि नहीं, आधा ही घूमे? नहीं नहीं, लगभग पूरा घूम चुके हैं। घूम लिया। और किसके साथ आए आप?
फ्रेंड लोग के साथ यहाँ पर जिनका भी रिव्यू ले रहे सबको बहुत ही अच्छा मॉल लग रहा है। सबसे बिहार का सबसे ये पहला मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है और आपको दिखाते हैं और ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिएगा फर्स्ट फ्लोर पर वॉशरूम में भी है, सब फ्लोर पर वॉशरूम यहाँ पर भी है। वॉशरूम थोड़ा आपको दिखा देते हैं तो और भाई खूबसूरत दिखा गया वॉशरूम देख लीजिए। वाओ ये देख लीजिए भाई वॉशरूम, ये देख लीजिए वॉशरूम, ये बॉयज वाला है। और यहाँ पर देखिए लॉकिंग वाला भी है, लॉक करके अपना कर सकते हैं, देखिए लॉक करके वाला बाथरूम है। और यहाँ पर डायरेक्ट वाला भी है। चलिए बाथरूम तो काफ़ी रॉयल है, खूबसूरत है, अंदर और दिखाते हैं आपको। तो वॉशरूम में दिखाया देगा हर फ्लोर पे आपको वॉशरूम रहेगा गर्ल्स और जेंट्स के लिए अलग अलग। अब दूसरे सेक्शन में लेके चलते हैं, दूसरे फ्लोर पे चलते हैं। बहुत ही बड़ा भाई मॉल आपको लगा वो एक दो फ्लोर ही है लेकिन मॉल बहुत ही बड़ा है भाई। गाइस एक और सब्सक्राइबर मिले, क्या नाम है आपका? फरजान नाम है। और कैसा लगता है वीडियो? बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि काफी स्पीड में आपका अपडेट आता है, डेली आ ही जाता है और पटना से रिलेटेड कुछ भी होता है तो काफी स्पीड में आपका। मॉल के बारे में आज क्या बोलिएगा, मेरे बारे में मॉल के बारे में बताइए। मॉल के बारे में तो बोलना ये है कि मतलब बिहार में सबसे लार्जेस्ट मॉल ऑल ओवर, मतलब बिहार में ऐसा सबसे बड़ा मॉल, सबसे बड़ा मॉल। पूरा घूमे कि नहीं अभी तक? अभी तो मतलब इतना बड़ा मॉल है कि घूमना पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, एकदम गर्दा एकदम मस्त। और मॉल के बारे क्या, पीएन मॉल को क्या बोलते हैं? पीएन मॉल तो कुछ नहीं है, इसके पानी कम चाय है। क्या बोल दिया। यहाँ पर कैसे आगे बढ़ रहे देख लिया, यहाँ पर कुछ शोरूम वगैरह भी है, लाइफ स्टाइल का कपड़ों का शोरूम है। तो शोरूम को अलग से एक्सप्लोर करेंगे, आज तो सिर्फ मॉल आपको दिखा रहा है। यहाँ पर से एस्केलेटर है और आगे आगे देखिए, आगे सेल्फी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला सेल्फी के लिए हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आगे आप लोग मॉल में बढ़ते हैं कहीं ना कुछ आपको सेल्फी के लिए दिख जाएगा। चलिए अब ऊपर आपको लेकर चलते हैं, देख लीजिए अच्छा से आने वाला, देख लीजिए कितना खूबसूरत। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा मॉल का नज़ारा, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वो ऊपर भी आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आ गए दूसरे फ्लोर पर भैया, इंटीरियर डिजाइन तो काफ़ी खूबसूरत है, मॉल जितना खूबसूरत है उतना इंटीरियर डिजाइन भी खूबसूरत है। अभी आगे बढ़े और कुछ देखेंगे मॉल में क्या क्या यहाँ पर हम लोग को दिखने वाला है। आगे चलते हैं, वाओ काफ़ी खूबसूरत है, मज़ा आ गया देखकर मॉल। ये देखिए यहाँ पर कुछ कुछ खुला है, वीआईपी वर्ल्ड बैक का ये शोरूम, शोरूम वगैरह जो है सब कुछ बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो पूरा मॉल में आपको घुमा दे रहा हूँ। ये देखिए वाह क्या लोकेशन है भाई, अमेजिंग। यहाँ पर फोटो सेल्फी लेके देखिए भीड़ लग गया, पेड़ पौधा मॉल के अंदर ही लगा हुआ भैया, पता नहीं रोशनी कहाँ से मिल रहा है बट बता दो आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल पेड़ है। देख लीजिए कितना खूबसूरत है, पानी गिर रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू हम लोग मिला। सेकंड फ्लोर पे हैं अभी हम लोग, क्या बोलना चाहोगे मॉल के बारे में? माइंड ब्लोइंग, ऐसा मॉल पूरे मतलब जितना भी हम मॉल हुए हैं पूरे बिहार में ऐसा मॉल कहीं भी नहीं है। मतलब ऐसा बना, आर्किटेक्ट देखिए, इसका इंटीरियर देखिए, डिजाइन बहुत जबरदस्त, और जगह जगह पर आपको स्टैचूज मिल जाएंगे डेकोरेटिव, फोटो सेल्फी के लिए एकदम सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ बैठने के लिए बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, लाइटिंग भी बहुत अच्छा हुआ है, जगह जगह पे ऐसे फाउंटेन बनाया हुआ है छोटा छोटा, बहुत जबरदस्त मॉल है। हम तो बोल रहे हैं सबको आगे घूमना चाहिए, अभी तक का सबसे बेस्ट मॉल है, सबसे बेस्ट है ये, और अच्छे से टाइम लेकर आए घूमना है तो। यहाँ भी देखिएगा सेल्फी पॉइंट है दूसरे फ्लोर पर, जैसे कि मैं बोला किसी फ्लोर पे जाइएगा तो सेल्फी पॉइंट दिख जाएगा। देखिए स्टैचू बना हुआ है, यहाँ पर लोग सेल्फी फोटो ले रहे हैं। अभी ऊपर चलेंगे एक्सीलेटर से, ये दूसरे फ्लोर पे द हाईवे एंजॉय योर जर्नी लिखा हुआ है, झरना यहाँ पर सामने है, याद रखिए दूसरा फ्लोर है। अभी चलेंगे तीसरे फ्लोर पर, आ गए हैं भैया तीसरे फ्लोर पर, देखिएगा यहाँ पर हम लोग को पहले तो बुलेट दिख रहा है। ऐसा लगा मॉल बताओ? बहुत बढ़िया लगा। तो अभी गए थर्ड फ्लोर पे हैं, यहाँ पर क्रॉस वर्ड है, बुक का भी एक अलग से है यहाँ पर, देखिए पहली बार कोई मॉल में लोग पटना में देखने वाले हैं। तो ये वाला देख लीजिए गाइस, ये बुक का है सेंटर, अंदर पूरा हर तरह का बुक आपको मिलने वाला, पता नहीं वीडियो ले सकते हैं कि नहीं। ये देख लीजिए गाइस बिजनेस मैनेजमेंट, हर तरह का बुक आपको मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमिक्स और मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए हर तरह का बुक मिलने वाला है, रीजनल भी आपको मिल जाएगा। और दिखाते हैं देखिए, तो ये बिहार का क्या पटना का पहला ऐसा आपको मिलने वाला है कि यहाँ पर बुक का भी एक अलग से स्पेशल बना हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, देखिए हाफ प्राइस में मिलेगा भैया। बुक तो वैरायटी है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए हर तरह का बुक मिलने वाला है, तो अच्छा से एक्सप्लोर थोड़ा करेंगे बाद में, बट अभी तो फिलहाल आपको दिखा दे रहे हैं बुक का भी है, पहली बार हम लोग को बिहार में ऐसा दिख रहा है। ये देख लीजिए ये बच्चों के लिए है, ये टॉयज लिखा हुआ है, देख लीजिए ये खासकर जो बुक है बच्चों के लिए है। तो गाइस मॉल तो बहुत ही बड़ा है भाई, मज़ा आ गया था मॉल घूमते घूमते, समझिए आपको एक दिन चाहिए दिल्ली का, मेरे को लास्ट टाइम दिल्ली में घूमा था उतना बड़ा मॉल ये दिख रहा है मेरे को लग रहा है। ये देखिए गाइस गेम जोन में आपको लेके चलते हैं, एक से एक बढ़कर गेम जोन आपको मिलने वाला है पहली बार पटना में, पीएन मॉल का तो भूल जाइएगा। ये देखिए ओ तेरी, हिला दिए भैया, ये देखिए धमधमा दिए,
बहुत ही बड़ा गेम जोन है, यहाँ पर 3D चश्मा वाला आपको दिखने वाला है पहली बार बिहार में पटना में। ये वाला कुछ नया देखिए, 3D पहन के आप लोग इसमें एंजॉय कर सकते हो। टिकट वगैरह आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा 600 रुपया का, गेम जोन में आपको ला रहे तो 600 रुपये का कार्ड लेना पड़ेगा तभी आप लोग कुछ गेम एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पैसा दे के यहाँ पर गेम खेलने वाला है, पैसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए लाइन से कितना सारा गेम यहाँ पर लगा हुआ है, देख लिए वाओ अमेजिंग। PN मॉल में आपने देखा होगा बट यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वही गेम आप लोग को ऑप्शन मिलने वाला है। अब बच्चे लोग आ रहे हैं तो पूरा एंजॉय करने वाले हैं, समझे 600 रुपये तो ऐसे ही खत्म होने वाला है। लीजिए लूट लीजिए लूट लीजिए लूट लो भैया, आते बहुत सारा गेम है। ये देखिए यहाँ पर भी गेम है, यहाँ से कार्ड आपको मिलेगा। ये देख लीजिए गाइस यहाँ पर मेनू है, यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है कितना वो कार्ड लेना पड़ेगा क्या रिफिल करवाना पड़ेगा, तो आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। भीड़ बहुत ज्यादा है, पहला दिन खुला है तो भीड़ बहुत ज्यादा है, अब तो मेरे को लगता है डेली भीड़ दिखने वाला है यहाँ पर। तो कुछ भाई लोग मिल गया था, बताइए कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, लग रहा है कि एकदम ग्रेटर नोएडा का फीलिंग आ रहा है, सही बता रहे हैं। मतलब PN मॉल के सामने क्या फेल हो गया? अरे ये सब कोई PN मॉल के सामने कुछ है ही नहीं, कितना अच्छा एरिया में बनाया हुआ है और ऊपर से यहाँ का एम्बियंस देख रहे हैं कितना खतरनाक बनाया है। कुजीन में देखिए बस हम लोग का जिम्मेदारी है कि स्वच्छ रखें। पता चला कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं गुटखा फेंक रहे हैं, हाँ, बिस्किट फेंक रहे हैं, तो पटना है बिहार है तो लोग यही करेंगे, लेकिन हम लोग को जागरूक रहना है। ये मेरा भाई है छोटा निशान, ये भी हम लोग साथ में घूमने आए हैं, एंजॉय किया आप लोग? पूरा एंजॉय किए हैं और अभी आधा घंटा करेंगे फिर खाए पिएंगे घर चलेंगे पढ़ाई लिखाई करेंगे। मौला को क्या लगता है बहुत बड़ा किसी से बढ़ाई है क्या बोला? अभी देखिए पटना के हिसाब से औकात से बाहर बना दिया है ये, पटना में ऐसा है बिहार में सबसे बड़ा इसको, हाँ बहुत बढ़िया बनाया है भाई से। गाइस यहाँ पर जो भी हम लोग को मिले सबको मॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है, बोले कोई भी टक्कर में नहीं बिहार में, पूरे पटना में सबसे बड़ा मॉल है। ये देख ले गेम तो भाई एक से बढ़ के आपको मिलने वाला है, पूरा इतना बड़ा गेम तो भाई PN मॉल में भी नहीं है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, आधा राउंड लिए तभी नहीं खत्म हो रहा है। इधर भी देख लिए एक से बढ़कर एक गेम आपको मिलने वाला, ट्रांसफॉर्मर का गेम। ये देखिए वो वो ये तो देखिए, ये तो पहली बार देख रहे भाई बिहार में, देखिए पहली बार है, देख लिए कितना एडवांस है। तो गेम जोन में आने के बाद गाइस मेरे को दिल्ली का याद है कि वहाँ इतना ऐसा गेम जोन था दिल्ली में, यहाँ मैं बिहार में पहली बार देख रहे, बहुत ही बड़ा गेम जोन बनाया गया भैया, खत्म ही नहीं हो रहा। अंदर आने के बाद एक राउंड ले लिए तभी खत्म नहीं हो रहा है। कुछ और गाइस गेम जोन में भाई लोग मिल गए, उनसे पूछते कैसा लग रहा आप लोगों को? अच्छा यहाँ बाकी सब मॉल के हिसाब से तो यहाँ बहुत ज्यादा सब कुछ एडवांस है और ऐसा फील आ रहा है कि ये बिहार का मॉल है ही नहीं। PN मॉल को टक्कर दे रहा है कि दे दिया? दे दिया दे दिया, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा है, बहुत एडवांस मॉल लगा है। तो अच्छा से देख लिए गाइस गेम जोन, जितना बड़ा मॉल उतना बड़ा तो लगता है मेरे को गेम जोन, ये खत्म ही होगा नाम नहीं ले रहा भैया, पूरा भीड़ भाड़ है गाइस। तो जिसका भी यहाँ पर रिव्यू ले रहा सबको मॉल बहुत ही अच्छा लगा, जबरदस्त मॉल भैया बनाया गया पटना में। चलिए और आपको लेकर चलते ऊपर, फूड कोर्ट भी ले आपको दिखा देते थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिलेगा, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। और कैसा लग रहा है भैया मॉल के बारे में बताइए? बहुत अच्छा मॉल है, आज कूपन भी मिला था फ्री का 500 रुपया का, पूरा एंजॉय किया है। VR यहाँ पर कुछ नया आया है ना? हाँ VR का चलता है, 200 रुपया टिकट लगता है। अच्छा, तो किसके साथ यहाँ पर आए हैं? दोस्त सबके साथ। दोस्त के साथ तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ फुल मजा आया। गेम जोन के बगल में आप लोग गाइस थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर शाहरुख खान का भाई पुतला बना हुआ है। तो नीचे जो स्टैचू वाला वो तो अभी ओपन फिलहाल नहीं हुआ, वो ओपन जल्दी हो जाएगा, बट यहाँ ऊपर भी एक शाहरुख खान का है कार, कैटरीना के पता नहीं कौन हीरोइन है, आगे बढ़े देख लेते हैं। कैटरीना कैफे आप लोग देख लीजिए, अच्छा से छूना नहीं है, अंदर नहीं जाना, यहीं पर आपको देखना पड़ेगा। तो फोटो सेल्फी यहाँ भी लोग ले सकते हैं, देखिए शाहरुख खान है तो फोटो सेल्फी ले सकते हैं। कार में आपको बैठना नहीं है, बस दूरी से फोटो लेना है। यहाँ पर देखिएगा साइड में आपको चॉकलेट वगैरह मिलने वाला बच्चों के लिए खाने के लिए, जैसे PN मॉल में वो यहाँ पर भी है, तो एंजॉय भी करिए, कुछ फूड वगैरह भी एंजॉय करिए। रॉबिन से बास्किन रॉबिन देख लीजिए, आइसक्रीम के लिए फेमस है। लाइटिंग सिस्टम देखिए, वाह पूरा फ्लोर तो जबरदस्त लाइट दिया गया भैया, इधर से आपको नहीं कहीं जाने के लिए मिलने वाला है, ब्लॉक हो चुका है देख लीजिए, बस यहीं तक है, फिर से घूम के जाना पड़ेगा। फूड कोर्ट आगे आपको मिलने वाला है। तो देखिए गाइस यहाँ भी वॉशरूम है, हर फ्लोर पे आपको एक वॉशरूम दिखेगा, लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम रखा गया है। और आगे चलेंगे तो इधर फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट आपको दिखा देते हैं चलकर। भाई मेरा सब्सक्राइबर भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ हुआ। कैसा लग रहा है मॉल बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एकदम, क्या बता भाई यहाँ का, क्या बोलते हैं PN मॉल के टक्कर में टक्कर दे दिया, बेस्ट है ये मॉल, बेस्ट बता दिया भाई, बहुत मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो अगर आउट ऑफ 5 रेटिंग देना हो तो ये 5 है और वो बस 3 में आएगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट मॉल है, बिहार का भी सबसे अच्छा लग रहा है देख के, बिहार का सबसे अच्छा मॉल बोलने वाले, इतना कोई टक्कर में अभी नहीं है ना, कोई नहीं है सर। तो गाइस रिव्यू सब बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, सबको मॉल बहुत ही पसंद आ रहा है। आगे बढ़ते फूड कोर्ट थोड़ा आपको दिखा देते हैं, फूड कोर्ट तो और बहुत खूबसूरत आलिशान है, मतलब क्या बोले बता भैया, चलिए आपको फूड कोर्ट दिखाई देते हैं। इधर से हम लोग गेम जोन से आ रहे हैं और फूड कोर्ट की ओर जा रहे हैं, भीड़ आपको आज दिखाएंगे कितना ज्यादा भीड़ है। और ये ऐसे वाला आप लोग देख रहे हैं हर जगह कहीं कहीं आपको दिखेगा, ये चलते रहेगा 3D में, देख लीजिए कितना खूबसूरत है। तो फोटो सेल्फी लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अभी फूड कोर्ट में जा रहे हैं।
वो ये देखिए फूड कोर्ट में भैया हंगामा हो गया, फूड कोर्ट में हंगामा हो गया, फूड कोर्ट, ओ माय गॉड क्या फूड कोर्ट बनाया है भाई, बहुत खूबसूरत फूड कोर्ट है, देख लीजिए। अलग से फूड कोर्ट का अलग मैं एक ब्लॉग बना दूंगा, फिलहाल तो मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। स्पेस देखिए कितना ज्यादा है, हर लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए आज, मॉल पहला दिन खुला है तो लोग भीड़ भाड़ देख लीजिए कितना ज्यादा भीड़ भाड़ है। और यहाँ पर आप लोग साइड में देखिएगा टेडी बियर भी बनाया गया है, टेडी बियर जो कि ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है और पत्थर का है, ऐसा मत समझिए कि ऐसे उठा सकते हैं, पत्थर का है। एक छोटा टेडी बियर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ तो साइड में, ये देखिए भैया छोटा टेडी बियर भी है। डिजर्ट भी देखिए फूड कोर्ट में है, मैंगो है कुछ नया चीज है, डोसा का है, डोसा इडली यहाँ पर आपको मिलने वाला है, मोमोज मिलने वाला है। तो यहाँ का फूड कोर्ट का मैंने आपको दिखाया बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पीएर मॉल का तो भाई इतना बड़ा था नहीं, यहाँ का फूड कोर्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बहुत अच्छा लगा, 4-5 फ्लोर है, तब से भटक रहे, खत्म ही नहीं हो रहा ये मॉल, पीएर मॉल से बहुत बड़ा है ना, पर पैदा मतलब जब से पीएनएम ही गए यहाँ पे अभी आए हैं तो अच्छा है, काफी बड़ा है, काफी बड़े बड़े एलईडी एलसीडी लगाए हुए हैं। ये मॉल सही में हम लोग के लिए बहुत बड़ा मॉल है, पटना के लिए बिहार का सबसे बड़ा मॉल हो गया ना, बिहार का सबसे बड़ा मॉल है, हम पटना वासियों को सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है ये। तो कैसा लगा मॉल बताइए, लग तो रहा है पटना सबसे टॉप अप में नंबर 1 पे आने वाला है, आने वाला नहीं आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन सुपर्ब, बहुत पूरा पूरा घूम लिए बिल्कुल। एक तो आपको सामने देख रहे हैं कि कैटरीना के ऋतिक रोशन आए हुए, आपको फ्रंट कैमरा करके बहुत देखो, इतने झकास लग रहे हैं कि क्या बताओ, एक जस्ट अभी एम्बेसडर नीचे लगा हुआ है, वो भी बहुत क्या सेल्फी के लिए बहुत सारा पॉइंट यहां पर दिया गया, सेल्फी के लिए सबसे बेस्ट, हम माने क्या बोले, कुछ भी बोलो या कमी है, एक तो इतने झकास से क्या बताएं, बहुत बहुत लाजवाब, मजा आ गया। तो ये गाइस जगह का फूड कोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, इसी के बगल में बरिस्टा भी है तो इसमें चलता है, देख लीजिए इसी के साइड में है, ऐसा आप नहीं कि आप लोग सर्च करने लगे, ऊपर से आपको व्यू दिखा दे रहे हैं कितना खूबसूरत है मॉल भाई डिजाइन, वाओ ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, व्यू देख लीजिए कितना खूबसूरत है, अमेजिंग, बहुत ही बड़ा मॉल है भाई, कहाँ से घूम कर वो लोग कहाँ पर आ गए, फोटो सेल्फी की आपको सोचना ही पड़ेगा, बिहार का सबसे बड़ा मॉल इसको बताया जा रहा है, बताया गया हो चुका है ये। अभी गाइस बरिस्टा में इंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डार्क दिखेगा बट यहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको खूबसूरती पता चलेगी, अम्ब्रेला वाला जो बना हुआ है, बार बार जब खुला नहीं था तो बता रहे थे, तो बरिस्टा थोड़ा महंगा होता है बट यहाँ का फूड आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कितना खुला खुला है, पूरा एकदम खुला हुआ है, आराम से घूम भी आप लोग सकते हो और फूड भी इंजॉय कर सकते हो। तो अभी गाइस बरिस्टा के पास है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन फूड यहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है, पटना में बहुत जगह को बरिस्टा दिख जाएगा, कंकड़ बाग में, बोरी रोड में, हर जगह इसका ब्रांच है और यहाँ पर मॉल आपको दिखने वाला है। तो गाइस सब कुछ तो यहाँ पर देख लिया बट आइनॉक्स नहीं खुला गया, आइनॉक्स लगता अभी काम चल रहा है, बोल रहे कि 3-4-5 महीने अभी आइनॉक्स में लगने वाला है तो वो तो हम लोग को फायदा नहीं मिलने वाला, उसके लिए माफ़ करिएगा मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मूड हो गया ऑफ हो गया लास्ट में जब पता चला कि आइनॉक्स यहाँ पर अभी नहीं खुला है। चलिए कोई नहीं, पूरा मॉल घूम लिए, मूड क्या ऑफ होगा, ऑन हो चुका है, बहुत ही बड़ा मॉल है पटना का, आप लोग अगर नहीं आते यहाँ पर जरूर आइएगा। तो ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ओके बाय, टेक केयर।